भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 दो में ये लिखा है कि कोई भी जो सांसद है अगर वो अपनी कार्य संसदीय कार्यवाही के दौरान, संसदीय अपने कार्यों कर्तव्यों के दौरान अगर कोई भी काम करता है, रिश्वत देता है, मर्डर करता है, रेप करता है, अगर मान लीजिए आज विदुड़ी दानिश अली का मर्डर कर देते तब भी उसके खिलाफ एफ आई आर नहीं दर्ज होती। उमा भारती ने जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब कहा था कि हमें इस देश को, हमें कटा हुआ देश नहीं चाहिए और कटा हुआ आदमी नहीं चाहिए। नमस्कार, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। बात करेंगे संसद में आज जो कुछ कहा गया, देश ने उससे पहले ऐसा कभी कुछ शायद ना सुना ना देखा होगा कि संसद के बीच में एक सांसद दूसरे सांसद को इतने ज्यादा ऐसे शब्द बोल रहा है। वीडियो आपने शुरू में देखी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आप लोगों ने वो वीडियो देख ली, हम लोगों ने शुरू में आपको दिखाई, लेकिन आप हम रविंद्र जी से जानते हैं, ये रमेश विदोड़ी जी कौन है जो कि दिल्ली के सांसद हैं, इनका क्या इतिहास है, और अब जो इन्होंने बोला उसकी इन्हें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर क्योंकि जो लोकसभा है ओम बिरला साहब, उन्होंने एक चेतावनी दी है, वही एक चेतावनी काफी रहेगी। सर क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? कहावत है कि लंका में सब 52 गज के, तो लंका में कोई आदमी छोटा नहीं होता। लंका में राक्षस खानदान होता है उसमें सारे राक्षस ही पैदा होते हैं, कोई देवता पैदा नहीं होता। अब जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और जो आरएसएस की स्थिति है, जब आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, अब आप समझिए कि आरएसएस को अगले साल अपना शताब्दी वर्ष मनाना है और 100 साल पूरे होने हैं, और 100 साल पूरे होने के समय में आरएसएस अपने विचारों को बढ़ाकर ये दिखाना चाहता है कि 100 साल में हमने कौन कौन सी उपलब्धि पैदा की। तो एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आरएसएस के जो शिशु भारती मंदिर में लोग जाते हैं, जो उनकी शाखाओं में जाते हैं, जो वो इनके प्रवचन सुनते हैं, बौद्धिक सुनते हैं, तो आप उनका एक मकसद समझ लीजिए, उनके दिमाग में बचपन से ही जहर घुसेड़ा जाता है, इंजेक्शन देकर उनको विष पुरुष और विष कर्म बनाया जाता है। और उसकी वजह यह है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो घोषित एजेंडा है, छुपा हुआ एजेंडा नहीं। जितने भी लोग आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस वालों को जानते हैं, निजी बातचीत में वो यही बात कहते हैं जो रमेश भदुड़ी ने आज संसद में लोकसभा में कही, और लोकसभा में उसने जो शब्द दिए वो शब्द हैं जिनके बारे में अगर सभ्य भाषा में कहें या असभ्य भाषा में कहें तो उमा भारती ने जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब कहा था कि हमें इस देश को, हमें कटा हुआ देश नहीं चाहिए और कटा हुआ आदमी नहीं चाहिए। तो ये जो है रमेश धुड़ी ने भी वही बात बोली है, उसने जो शब्द बोला कटवा, तो उसका मतलब यही है उसी बात से जो उमा भारती कह रही है। तो उमा भारती जो लेकिन है, आप अभी और बाहर निकलकर देख लूंगा, एक तरह से धमकी भी। जी ये तो देते ही है, बाहर मैं तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा जो है जड़मूल से नाश कर देंगे, शराब दे देंगे और दंगे कराना। आप देखिए हिंदुस्तान में जब से आरएसएस की जो समर्थित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये बड़े गर्व से कहते हैं कि 2024 से दंगे नहीं हुए। भाई जो दंगे करते थे देश के गुंडे को, सबसे बड़े गुंडे को अगर आप नगर प्रमुख बना दोगे तो वो गुंडा, उसको तो एक लाइसेंस मिल गया, तो वो गुंडागर्दी गुंडा तो रहेगा नहीं, वो उसके खिलाफ एफ आई आर नहीं दर्ज होगी, रहेगा तो वो गुंडा ही, कर्तव्य उसके वही रहेंगे। पहले अंडरग्राउंड वो काम करता था, अब वो जो है मंच पर बैठकर वही बिताव करता है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि दंगे देश में नहीं हो रहे तो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दंगों को शुरुआत कराने वाली अगर कोई दल संगठन था तो वो आरएसएस थी। आज भी जितने दंगे होते हैं हिंदुस्तान में उसमें आपको आरएसएस का हाथ मिलेगा। अब आपने देखा कि अभी नूह में जो दंगे हुए, उससे पहले आपने देखा कि जो दंगे नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं, मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उसमें शंका आता है। किसी भी दंगे में, जब भी जितने भी दंगों की आज तक जो है जांच रिपोर्ट बनी है उसमें हमेशा संघ का नाम आया है, और संघ की दंगे कब कराता है, जब मुसलमानों का कोई त्योहार हो या हिंदुओं का कोई त्योहार हो। रामनवमी होगी तो गुंडागर्दी कर लेंगे, हनुमान जयंती होगी तो गुंडागर्दी कर लेंगे, मुहर्रम का जुलूस निकलना है तो गुंडागर्दी कर लेंगे, अगर कोई सभा जुलूस या कोई सम्मेलन मुसलमानों का होता है तब वहां गुंडागर्दी होती है। सबने देखा कि बुलंदशहर में कैसे एक इंस्पेक्टर की हत्या इन्होंने उसकी कर दी, जो कि एक जो सम्मेलन था मुसलमानों का उसके जो लोग आए हुए थे वो चाहता था कि उनके ऊपर दंगा भड़काने के लिए जो इन्होंने गाय काटी थी
उसका आरोप जो है वो मुसलमानों पर ना लगे, तो इन्होंने अपने एक हिंदू इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। और योगी जी जो बताते हैं कि मेरे यहाँ कानून का राज बड़ा चक्कर है, योगी जी के लोग ये तारीफ करते हैं। और उस बेचारे की मौत होने के बाद उसके सारे जो दोषी हैं वो सारे छूट गए। तो यानी कि एक हिंदू इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पे सही काम कर रहा है उसके मर्डर करने वाले छूट जाते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे यहाँ राज बड़ा अच्छा चल रहा है। तो राज के हिसाब से चल रहा है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हम बात करते हैं संसद के कानून नियम की, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो स्पीकर का काम क्या होता है और फिर क्या आज के लिए मतलब दंड या जुर्माना क्या कुछ होना चाहिए था? देखिए उसके लिए हमारी देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोषी है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, मैंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं रविंद्र कुमार ने एक मुकदमा दायर किया था जो था झारखंड सांसद रिश्वत कांड। तो झारखंड सांसद रिश्वत कांड में हमने जब ये मुकदमा किया तो बहुत सारे नरसिम्हा राव ने और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि हमें इम्यूनिटी मिली हुई है संविधान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(2) में ये लिखा है कि कोई भी जो सांसद है अगर वो अपनी संसदीय कार्यवाही के दौरान, संसदीय अपने कार्यों कर्तव्यों के दौरान अगर कोई भी काम करता है, रिश्वत देता है, मर्डर करता है, रेप करता है, अगर मान लीजिए आज विदोड़ी दानिश अली का मर्डर कर देते तब भी उसके खिलाफ एफ आई आर नहीं दर्ज होती। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सांसदों को जो विशेष अधिकार है उससे वो संसद में या विधायक जो है विधानसभा में किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी का रेप कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, उनके खिलाफ हिंदुस्तान का कानून काम नहीं करेगा। क्योंकि झारखंड सांसद रिश्वत कांड के अंतर्गत जब नरसिम्हा राव सुप्रीम कोर्ट गए तो 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की ये फैसला दिया कि ये रिश्वत लेना लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत देना उनका विशेष अधिकार है और उन्हें इम्यूनिटी है यानी उनको छूट मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई एफ आई आर दर्ज नहीं होगी। तो जब मैंने केस किया तो रिश्वत देने वालों को सजा हुई, यानी नरसिम्हा राव को इसलिए सजा हुई कि उसने सरकार बचाने के लिए इन सांसदों को रिश्वत दी, बूटा सिंह को हुई और जिन लोगों को दी, बाकी जितने एमपी थे 31 MP जिन्होंने रिश्वत दी थी जिसके हमने सबूत दिए थे उन सबको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रिश्वत देना इसका विशेष अधिकार है। अब 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा खोला है और कहा है कि पहले 5 सदस्यों ने बहुमत से फैसला दिया था, 5 विद्वान न्यायाधीशों ने, अब जो है 7 सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य हैं वो सुनेंगे। 7 सदस्यों की जो आप समझिए संविधान पीठ छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और उस फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि ये फैसला जो है मानवीय गरिमा और नैतिकता के खिलाफ है, देखने में ही अजीब लगता है। तो हम इस फैसले की आलोचना और समालोचना दोनों करेंगे। और मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है वेंकटरमणी, उन्होंने कहा नहीं जी ये कानून लगा रहना चाहिए, सांसदों को इम्यूनिटी रहनी चाहिए, रिश्वत खानी चाहिए, मर्डर कर देना चाहिए, बलात्कार कर देना चाहिए। ये जो आप देखते हैं ना जो बृजभूषण शरण सिंह का मामला, जो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, पुलिस के दिमाग में कहीं बैठा है कि ये आदमी सांसद है तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे रेप कर ले या ये चाइल्ड को अब्यूज का इसको हो मामला पोक्सो का, तो इस पर केस नहीं चलना चाहिए। इस सरकार में जितने लोग बैठे हैं और संसद में जितने लोग बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग बैठे हैं उन सब ने ये मान लिया है कि ये इनका विशेषाधिकार है। और जब एक विशेषाधिकार है तो विदोड़ी ने जो बातें कही हैं कि मैं तुम्हें बाहर देख लूंगा, मान लीजिए दानिश अली के ऊपर कोई हमला हो जाए तो दानिश अली को अभी तक आप देखेंगे इस सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा किसको दे दी? वाई कैटेगरी की दे दी कंगना रानावत को कि जी कंगना रानावत हमारी नेत्री है, उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दो। कितने लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी? रजय शर्मा को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। जो रिपब्लिक टीवी का जो मालिक है और जो नेता है और जो यानी सब ये प्रवक्ता है उसको क्या मिली हुई है? उसको भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। 19 पत्रकारों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, सरकार ने दे रखी है। और वो क्या करते हैं दिन रात, ये जितने आप कहते ना जहर फैला रहे हैं, 14 के 14 जिनको अभी बायकॉट किया है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ना लोगों को भी कि 14 में से 11 लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई। तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी हुई है ताकि आप लोगों को गाली दें, आग लगाएं, हिंदू मुस्लिम फसाद करें और इसीलिए ये बात होती है। अब ये जो सवाल आएगा आपके मन में कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इस संसद के पहले दिन मोदी जी ने क्या कहा, रोना धोना चलता रहेगा,
तो संसद की गरिमा को उन्होंने गिराया। अभी इन्होंने कहा कि भाई जो है स्मृति ईरानी ने पहले कह दिया कि राहुल गांधी उसको फ्लाइंग किक दे रहा है, वो भी झूठा आरोप। उसके बाद आपने देखा कि अब जो विदुड़ी हैं उन्होंने दानिश अली को कह दिया कि गद्दार है, टेररिस्ट है, मैं इसको बाहर देख लूंगा, और जो अपशब्द हो सकते हैं जो नहीं कहे जाने चाहिए लेकिन इनके जबान पे हमेशा चले रहते हैं वो उसने कहे। और उसे कहे तो क्यों कहे, वो इसलिए कहे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो संसद बनी है इसकी जो वास्तु है वो खराब है, इसमें यही होगा, इसमें झूठ बोला जाएगा, फरेब बोला जाएगा, जनता से धोखाधड़ी की जाएगी, पूरा का पूरा जो महिला आरक्षण बिल है ये महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है, यानी राष्ट्र के पैमाने पर पूरी संसद देश की अल्पसंख्यक महिलाओं से, देश की जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं उनके साथ, जितने भी आप जातियों के नाम लें, यादव है या कुर्मी है या और जितने भी लोग हैं, उन सबके साथ जो धोखाधड़ी कर रही है, और धोखाधड़ी कर रही है और इस ठसक के साथ कर रही है कि हम तुम्हें ये आरक्षण जो है आज से 15, 20, 10, 50 साल बाद पता नहीं कब देंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे जब हम संसद की बात करते हैं तो हर संसद को अधिकार है अपने टाइम के दौरान, यानी 1924 से चलने वाली ये संसद है उसके दौरान ये कोई फैसला कर सकती, भविष्य के लिए नहीं कर सकती। अब मोदी जी ने तो लाल किले पे कह दिया था कि अगली बार भी आऊंगा और झंडा फहराऊंगा, मोदी ने ये मान नहीं रखा कि जनता जो है किसे चुनेगी, भाई कौन सा दल चुनेगा, वो उसका बहुमत होगा, फिर वो अपना प्रधानमंत्री चुनेगा, वो जाकर जो है जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका राइट है ये, वो जाके लाल किले पे झंडा फहराएगा। लेकिन मोदी जी ने कह दिया मैं ही अकेला हूँ, अगली बार आऊंगा। तो मोदी जी ने तो ये ऐसे है कि मोदी जी का बस चले तो पता चलेगा कि मोदी जी जो है 24-25 की जगह 26-27 का, 28-29-30 का, कभी कभी बजट भी पास कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि 2050 में सब लोगों को जो है मर्सिडीज बेंज कार मिलेगी, एक 4 कमरे का जो है बंगला मिलेगा, सब जो है हर एक को 1-1 करोड़ रुपए सरकार देगी। और मोदी जी कहेंगे देखो जी मैंने व्यवस्था कर दी है क्योंकि संसद सर्वोच्च है और 2050 में आपको मिले। तो ये सरकार जो है झूठ बोलने में माहिर है, ये लोगों में नफरत फैलाने में माहिर है। और ये जो आपने कहा कि स्पीकर इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ स्पीकर इस बारे में कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है और राज्यसभा के जो सभापति है वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति क्या होता है, उसका काम होता है एम्पायर का, अध्यक्ष का मतलब एम्पायर, न्यायाधीश का तराजू लेकर बैठना होता है, और उसका काम होता है, स्पीकर नाम जरूर होता है लेकिन वो सबसे कम बोलता है, उसे सबसे ज्यादा भाषण सुनता है स्पीकर। कई लोगों को भाषा सुन के लगता है कि स्पीकर का काम मतलब बोलना भोपू, लेकिन अब क्या है कि आज के जो ये एम्पायर है ये एम्पायर नहीं है, आप कह सकते हो मोदी जी के मंत्रिमंडल के ये एक नायाब जो है एक रत्न है। और अगर जैसे शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब बीजेपी के जो विपक्ष के नेता थे उनके बारे में खुद कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये जो है शीला जी के 8वें मंत्री हैं, 7 मंत्री होते थे दिल्ली सरकार में, मैं नाम नहीं ले रहा, उनको कहा जाता था ये 8वें मंत्री। तो स्पीकर ने भी अपनी गरिमा जो है वो 8वें मंत्री वाली बना रखी है, और यही हाल जो है राज्यसभा के सभापति का है। और आप समझिए ये आप सोच रहे हो कि कोई कार्रवाई होगी, मैं आपको लिख के कहता हूँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में हर वो आदमी जो मुसलमान के लेकर जितनी ज्यादा घृणा फैलाएगा, जितना उन पर अत्याचार करेगा, जितना नफरत फैलाएगा, उसको माना जाता है ये हमारा शेर है, इसने कम से कम हमारी जो बात कह दी जो हम बंद कमरे में कहते हैं, इसे खुले आम जो है संसद के माइक पे कह दी और उसको हमने जो है पूरी दुनिया को सुना दिया। तो आप समझ लीजिए कि अभी तो विदुड़ी ने कहा है, कुछ लोगों को सड़कों पे हिम्मत मिलेगी बोलने के, आप ये कहना चाह रहे हैं? मिली हुई है, आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये बोला ना। और दूसरे इनके जो दूसरे जो साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा, उसने भी यही बात कही कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद जब CPM के लोग गए कि भाई इस पे FIR दर्ज हो, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं जी इस पे FIR नहीं दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये बात जो है बड़े हंसते हुए कही है। तो अगर ये जो विदुड़ी है हंसते हुए अगर ये बात कहता ना, हा 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 तू साले तू जो है फलाना तू झुमका हा हा हा, तो जो है स्पीकर भी उसी के आड़ ले लेते कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने चंद्रधारी सिंह उनका नाम है, उन्होंने ऐसी बात कही थी कि ये अपराध नहीं, तो इसलिए ये भी अपराध नहीं। किसी को गाली दो, किसी के कपड़े आप फाड़ते रहो,
किसी औरत का बलात्कार हंसते हुए करो तो राक्षसों का क्या लक्षण था? राक्षसों का लक्षण ही यही है कि वो शराब पीते थे, महिलाओं पर अत्याचार करते थे और अट्टहास करते थे। हा 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 हा, जो रामलीला देखते हैं वो सब जानते हैं, जिन्होंने कंस को देखा वो सब जानते हैं, जिन्होंने दुशासन का, चीरहरण द्रौपदी का देखा वो सब जानते हैं। तो आप समझिए ये हिंदू संस्कृति के वाहक है और इसलिए मानते हैं कि जो बहुमत है उसका कोई गलती नहीं है। अगर महाभारत के टाइम में यही लोग होते, कानून की किताब पढ़ने वाले, तो ये कहते कौरव सौ थे और पांडव पांच थे, तो बहुमत किसका हुआ? कौरवों का हुआ। तो कौरवों ने जो द्रौपदी का चीरहरण किया, उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ जो जो जांग दिखा के जो बातें की वो सही थी, क्योंकि मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया ये बात नहीं मानती। अब जो भारत और कनाडा का झगड़ा चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी कूद गया, यूके भी कूद गया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, न्यूजीलैंड भी आ गया है, और जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि फाइव आईज करके एक इनका एक स्पाई का आपस में आदान प्रदान होता है, और उस आदान प्रदान में उस I5 ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बताया, ट्रूडो को नहीं पता था। ये जो चीजें खुली हैं ये कनाडा की पुलिस की वजह से नहीं खुली है, ये 5I की वजह से खुली है। उन्होंने बताया भाई ये हो रहा है, और इसीलिए ट्रूडो ने एक स्टांस लिया, अब सबने ले लिया। लेकिन नैतिकता की बात करना, ये कहना कि वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी धरती पर हमारे आदमी का खून नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो योगी जी कहते हैं कि अतीक अहमद है, पुलिस के पहरे में इसका मर्डर करवा दो। जिस देश में पुलिस के पहरे में मर्डर होते हो, जिस देश में उसकी जो जेलों के अंदर लोगों के मर्डर होते हो, हमने खूब सीन देखे हैं दिल्ली में कि किस तरह से वो वीडियो है कि भाई सारे जेल में मरे हैं सर जी। तो मैं बताता रहा हूँ, तो हमारे यहाँ कानून का राज नहीं है, हमारे बहुमत का राज है। और बहुमत का मतलब है जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। तो जिसके हाथ में लाठी हो दूसरे का सर फोड़ता रहेगा। और इसीलिए वो पुरानी एक फिल्म गोपी में गाना था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा हंस चुकेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। तो कौए मोती खा रहे हैं और हंस जो है वो बेचारे कहीं चुग्गा मार रहे हैं। और ये मोदी जी ने ऐसा देश बनाया है, और उसका कारण मैं ये बता चुका हूँ कि ये जो संसद का वास्तु है उसकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज जो कुछ संसद में हुआ उसका पूरा एनालाइज किया है, साथ ही जो कनाडा वर्सेस भारत का जो क्लैश हो रहा है उस पर भी अपनी बात रखी है। तो सर ने जैसे कहा कि कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, चेतावनी उन्हें भले ही दे दी हो, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। जो लोग बंद कमरे में कहते हैं या कुछ गुंडे सड़कों पर कहते हैं, आज वो चीज संसद में हमें सुनने को भी मिली। नीचे कमेंट कीजिएगा, अगले एपिसोड में जल्दी रविंद्र से मुलाकात कराएंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत।